हाय फ्रेंड्स फिर से मैं वापस आ गया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट टू में तो ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है ये आपके आरबीआई ग्रेड भी जो कि अपकमिंग है एंड आई का एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्दी नोटिफाई हो सकता है एग्ज़ाम कब होगा सो so ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एम होंगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आई सबसे पहला सवाल हम जो देखेंगे इन in इंडिया Nifty and Sensex are calculated on the basis of तो आपका काम क्या है आपका काम यहाँ पे ये यह है कि आप इस वीडियो को इसको यहाँ पे पॉज करो और ट्राई करो कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है अगर नहीं आता है डू नॉट वेरी क्योंकि मैं तो आगे स्लाइड पे बता ही दूंगा इसका आंसर क्या है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन ठीक है तो चलो अब इसके आंसर को देखेंगे इसका आंसर जो है ना ये होता है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन तो निफ्टी क्या है निफ्टी एक्चुअली फिफ्टी स्टॉक का एक कंबाइंड इंडेक्स है वैसा ही सेंसेक्स क्या है थर्टी स्टॉक का कंबाइंड इंडेक्स है लेकिन इसको फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्यों बोला जाता है वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड पे बता रहा हूं फ्री फ्लोट मेथोलॉजी इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स अंडरलाइंग कंपनी तो जैसे कि सेंसेक्स में कितने कंपनी है थर्टी और निफ्टी में कितने हैं निफ्टी में फिफ्टी कंपनीज का इंडेक्स है तो इसमें होता क्या है इक्विटी प्राइस मल्टीप्लाइंग इट द नंबर ऑफ शेयर्स रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट ये हो जाएगा इसका कैलकुलेटिंग फॉर्मूला तो फॉर्मूला हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये जो फ्री फ्लोड मेथोलॉजी है इसके मतलब को समझ पा रहे हो कि नहीं एंड आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया है अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कमेंट सेक्शन में आप लिख दो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया है हम अगले वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देंगे बट जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड था उतना तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है विद दिस लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन या इनको आप एम आई आई एस के नाम से भी जानते हो स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरीज स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस ठीक है तो ये है सब ऑप्शन तो देखो यहाँ पे पूछा क्या है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस तो सबसे पहला है इसमें है सेबी एंड आर इसमें है सेबी तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये रेगुलेटर्स है ठीक है अब कॉमन देखो स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरीज स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस स्टॉक एक्सचेंज सब पे है तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज तो होगा ही होगा इसके बाद क्लियरिंग हाउस और डिपोजिटरीज तो अभी आप एक चीज़ समझो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है मतलब आप ये जो स्टॉक बाई करते हो या सेल करते हो इसके बीच में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कहलाए जाते हैं ठीक है तो स्टॉक एक्सचेंज भी है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ही आप अपना जो आ, जहाँ से परचेस एंड सेल होता है जहाँ पे लिस्टेड होता है तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज तो है ही उसके बाद क्लियरिंग हाउस क्योंकि आप जब अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से बाई या सेल करते हो तो वो पास कहाँ से होता है वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू पास होता है राइट right? सेटलमेंट जिसको बोलते हैं हम टी प्लस वन या टी प्लस फोर का जो भी सेटलमेंट होता है वो कौन करके देता है आपको क्लियरिंग हाउस तो ऑब्वियसली बात है क्लियरिंग हाउस तो होगा ही बीच में मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर वो इसके बाद हम डिपॉजिटरीज़ को समझते हैं डिपॉजिटरीज मतलब जो सी एस डी एल एन एन एस डी एल के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो अगर आप बाई कर रहे हो तो वो सेटलमेंट के बाद आपके अकाउंट में वो आ जाता है अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके अकाउंट से वो चला जाता है तो इसका मतलब डिपॉजिटरीज का भी रोल है तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो है ये स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस एंड डिपोजिटर्स इन तीनों को तीनों ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है तो अब सवाल ये आता है कि ये टर्म कहाँ से आया तो ये टर्म किसने दिया है ये आप जिनको फोटो में देख पा रहे हो बिमल जलान सर जो कि आर के डिप्यूटी सॉरी आर के गवर्नर भी रह चुके हैं राइट तो इन्होंने क्या बोला था ए पैनल सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर आर बी आई गवर्नर बिलल बिमल जलालान टू एग्जामिन इशू अराइजिंग फ्रॉम द ओनरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ एम आई आईज इन एक्स टू थाउजेंड टेन रिपोर्ट दो हजार दस के उन्होंने रिपोर्ट में ये चीज़ उन्होंने बताया था जो कि मैं पिछले वाले स्लाइड में आपको बता चुका हूँ राइट right? एक ट्रेड एग्जीक्यूट होने में जो फंडामेंटल फैसिलिटीज सिस्टम्स जो भी लोग इन्वॉल्व है वो सारे सा, के सारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं राइट right? चलो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर इज कॉल्ड ठीक है इसमें से क्या आप वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर तो चलो मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा इसका जो आंसर है ये होगा हैजिंग ठीक है देखो नन ऑफ द अबॉफ को हम छोड़ देते हैं टर्म इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस है मतलब टर्म इंश्योरेंस उस तरीके के इंश्योरेंस को कहा जाता है लेट्स किसी किसी लाइफ को सिक्योर करना है तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंश्योरेंस वो पर्सन लेंगे एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिलेगा इफ़ देर इज सडन डेथ और समथिंग यू नो लॉस ऑफ लाइफ तो ही वो पैसा उनके नॉमिनी को मिलेगा दैट इज़ टर्म इंश्योरेंस स्पेकुलेशन की मतलब बिना जाने ट्रेड करना ठीक है मतलब बोलते हैं ना मार्केट की दिशा हवा में बातें करना ये सारा स्पेकुलेशंस है हम हमको ऐसा लगा कि एस बी आई का प्राइस बढ़ेगा हमने पैसा लगा दिया सो दैट्स स्पेकुलेशन ट्रेड जो इंडिया में बहुत होता है आर्बिट्रेज का मतलब क्या है दो मार्केट में मार्केट ए एंड मार्केट बी पे एक मार्केट पे बाई करना एक मार्केट पे सेल करना ताकि ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस पैदा हो उस डिफरेंस में प्रॉफिट कमाया जा सके दैट इज आर्बिट्रेज मतलब दो मार्केट पे अलग अलग ट्रेड प्लेस करना जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस में इसको जो प्रॉफिट होता है आर्बिट्रेज बोला जाता है राइट right? उसके बाद हेजिंग का मतलब होता है ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस मान के चलो आज आपके पास सौ रुपए है आपको बैंक में रखना है लेकिन आपको डर है अगले साल इन्फ्लेशन की वजह से आपको ये नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके देगा आप क्या करते हो मतलब आप इसका क्या करें गोल्ड खरीद लेते हो पूरे सौ रुपए का नहीं कुछ पैसा आप बैंक में रखते हो कुछ का आप गोल्ड खरीदते हो तो एक्चुअली आपने यहाँ पे जो लॉस होगा ना उस लॉस को ये गोल्ड के जो इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड गोल्ड का प्राइस जो बढ़ेगा वहाँ से आप कवर कर रहे हो सो यू आर हैजिंग योर रिस्क ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हुआ है अगर नहीं हुआ है तो भेजीजा आप कॉमेंट सेक्शन में लिखो एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता दिया बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ एब्रवेशन ऑफ जी स्टैंड्स फॉर देखो आपको लगेगा कि सर ये कैसा सवाल है देखो एग्जाम है एग्जाम का नेचर इसी प्रकार है कि अगर आपको पाँच सवाल पूछे जाएंगे उसमें से तीन टफ रहेगा तो दो बहुत ईजी रहेगा सो so, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कोई ईजी सवाल देख के कि ये कैसा सवाल है इट इट इज़ द नेचर ऑफ एग्जाम जिस वीडियो सीरीज से मैं आपको वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग दिलाना चाहता हूँ दैट्स वाई वन ऑफ द इजी क्वेश्चन तो आई होप इसका आंसर आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकिन क्या आपको ये पता है जी एस टी इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो कंज्यूम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो जो एस जी एस टी है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिलेगा ना कि महाराष्ट्र को लेकिन वैट के, के केस में ये उल्टा था राइट तो अब क्या हो गया है इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इस पर रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो अगेन आप कॉमेंट सेक्शन पर लिखू बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे इन इंडिया विच ऑफ कैन अंडरटेक फोर्टिफाइंग सर्विसेज नबार्ड क्या है नबार्ड इज़ सुपरवाइजर फॉर गूगल डेवलपमेंट गूगल रीफाइनेंसिंग तो नबार्ड तो नहीं है आर बी आई रेगुलेटर नहीं है एन एच बी नेशनल हाउसिंग बैंक है ये हाउसिंग सेक्टर के लिए काम करता है ये भी नहीं है सिड बी एम एस एम ई सेक्टर के लिए काम करता है तो ये भी नहीं है बच कौन गया एक्सिम अगर आपको पता नहीं भी है राइट right आंसर तो आप ऐसे गेस करके भी दे सकते हो राइट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया तो एक्सिम जो है ये काम करती हैं जहाँ पे एग्जेम क्या करती हैं फॉरेन अकाउंट रिसीवल्स को रिसिबेबल्स को डिस्काउंट में उसको कैश करके देती हैं राइट सो विद दिस वी आर डन फॉर द डे लेट्स मीट टुमारो वन सेकेंड विद द सेम सीरीज टिल दैन अनफॉर योर पोटेंशियल एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड बट अगर आप आई एफ एस सी की तैयारी कर रहे हो द इट इज एट डिस्काउंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल इन दिस नंबर And always remember IXMB helps you prepare 50% faster.